इन्वायरमेंटल सोशालोजी टॉपिक टू हंड्रेड सेवनटीन ग्लोबल डाइमिंग एंड ग्लोबल ब्राइटनिंग ग्लोबल डाइमिंग इंटरैक्ट्स विद ग्लोबल वार्मिंग बाय ब्लॉकिंग सनलाइट दैट अदरवाइज काज डिसपियरेंस एंड वाटर ड्यू ड्रॉप्स जो ग्लोबल डाइमिंग जो है ये ऐसा सिस्टम है कि जिसमें जो डायरेक्ट लाइट्स हैं सन लाइट्स हैं वो अपनी पूरी आ, पूरी तरह से जमीन पे नहीं पहुंच पाती रास्ते में ही उसको वो रुक जाती हैं ड्यू टू तो द सम क्लाउड ऑफ द पोल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग लाइक सिचुएशन इमर्ज इन दिस सार्ट ऑफ सिनेरियोस ग्लोबल डाइमिंग इज इफेक्टेड बाय फेडिंग एंड रेन जब रेन होती है तो डायरेक्ट सूरज की श्वाय जमीन पर नहीं पड़ती जबकि फेडिंग लाइक सिचुएशन है कि कहीं पे कोई ऐसा पोलूशन का या किसी तरह का कोई बादल बना हुआ है तो वो नहीं रोकता है रेन एज द इफेक्ट्स ऑफ क्लियरिंग आउट पोलूटेड स्काइज। रेन की वजह से पोलूटेड स्काइज अगर कहीं पे रेन होती है तो पोलूटेड स्काईज क्लियर क्लियर होती हैं और जो डाइमिंग है वो कम होती है ग्लोबल ब्राइटनिंग एन इंक्रीज़ इन सन लाइट रीचिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ कास्ड बाई डिक्रीज़ इन लाइटिंग ऑब्जर्विंग कंपाउंड इन द अर्थ एटमोसफेयर कि जहाँ पर ज्यादा ब्राइटिंग जो सन लाइट है वो अर, अर्थ अर्थ तक पहुँच रही है और डिक्रीज कर रही है लाइट ऑब्जर्विंग कमाउंड कंपाउंड को लाइट ऑब्जर्विंग कमाउंड डिक्रीज हो रहे हैं और मैक्सिम मैसेव लेवल पे जो है लाइट वो जमीन पे पहुंच रही है इट इज थॉट दैट ग्लोबल डाइमिंग इज ड्यू टू पोल्यूशन जो लाइट प्रॉपर नहीं आती जमीन पे वो पोल्यूशन की वजह से डस्ट की वजह से एक्सप्लोजन जो धमाके होते हैं जो बहुत बड़े बड़े जो इन टर्म्स ऑफ द वेपन्स उनके इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन उनकी वजह से वो प्रॉपर जमीन पर नहीं आती आ पाती स्प्रेज एंड ऑब्जर्व सोलर एनर्जी एंड रिफ्लेक्ट सन बैक इन द स्पेस जो बैक एंड टू द स्पेस है सनलाइट वो रिफ्लेक्ट होती है द प्लूटेंट कैन आल्सो बिकम क्लाउड ड्रॉपलेट जो प्लूटेंट्स हैं जब क्लाउड आते हैं तो रेन के साथ ड्रॉपलेट्स की तरह वो जमीन पे आते हैं एक्चुअली रेन जो है वो ह्यूमन एटमोसफेयर को क्लीन करती है साफ करती है जिससे डायमिंग कम होती है सनलाइट बेहतर तरीके से ज़मीन तक पहुँचती है जिससे सर की फर्टेलिटी भी बढ़ती है और पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं ऑन अदर साइड